नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबर नगरी से है, जहां पर शिक्षा विभाग की जमीन पर नगर परिषद नगरी में 88 लाख का मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसको लेकर नगर के खिलाड़ी और नागरिकों ने स्टेडियम को कहीं और बनाने के लिए सीएमओ कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी भेजा। लोगों का कहना है कि स्कूल की सीमा में मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण होने पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। वहीं दूसरी ओर नगर के खेल प्रेमी खिलाड़ियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं स्कूल प्रशासन को भी इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन भेजा गया। खबर परासवे विधानसभा से है, जहां पहाड़ी क्षेत्र पर बसे 12 गांव ने पानी की विकराल समस्या पैदा हो गई है। ये लगभग 20 साल से पानी की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी प्रतिनिधि और न ही शासन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस ओर ध्यान दिया। ग्रामीण वासी विगत वर्षों से पहाड़ी क्षेत्र में डैम की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। परिषद विधानसभा परासिया विधानसभा के जनपद परिषद में खड़े हुए, जहाँ पे पहाड़ी पर स्थित है बोधला पड़ाल का गांव है जामुन बर्रा। आपको ये बता दें, ये जामुन बर्रा गांव एक ऊंची पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पे हर गर्मी के मौसम में यहाँ पानी की समस्या बन जाती है, क्योंकि ऊंचाई पे बसा होने की वजह से यहाँ पानी का संकलन नहीं हो पाता। साथ ही आसपास के नदी और नाले यहाँ सूख जाते हैं। यहाँ की महिलाएं करीब 1 किलोमीटर गहरी खाई में जाकर पानी भरती हैं। साथ ही आज पानी की स्थिति यह है इस गांव में कि इनको हफ्ते और 10 दिन के बीच वो भी एक जुगाड़ करके, जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये पाइप का कनेक्शन नदी नाले से लेकर आए हैं, वो भी 9 और 10 दिन के बीच ये आधे घंटे का ये पानी चलता है और आधे घंटे में मात्र आधे गांव के लोग भी भर पाते हैं। जिसकी वजह से इन्होंने बताया कि यहाँ पे 10-15-20 सालों से ये पानी की लगातार ये समस्या यहाँ बनी हुई है। ये कभी हम लौना पठार से जाते हैं, कभी पगारा से लेके आते हैं, और पानी यहाँ पूरा सूख चुका है। एक कुआं था, उसमें ये पाइप डाल के करें, इसमें भी दूसरे का सामान डाले। पानी की विकराल समस्या है, बार बार शासन प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं हर 5 वर्ष में, लेकिन आश्वासन देके चले जा रहे हैं कि पानी की समस्या का समाधान होगा, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। हम हर साल 2-3 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं, 1-1.5 किलोमीटर नीचे गड्ढा खाई से पानी लेके आते हैं। कभी कभार अगर लोग मोटरसाइकिल से जाना होता तो लौना पठार पगारा इन ग्रामों से मोटरसाइकिल पानी लेके आना पड़ता था। वो समझ में नहीं आ रहा था उसकी बात। खबर रतलाम से है, जहां शिवगढ़ रोड स्थित जमुना पुल के नीचे खदान से महिलाएं पीली मिट्टी खोदने का काम कर रही थी। इस दौरान अचानक खदान धस गई, जिसमें महिलाओं के अलावा बच्चे दब गए। अचानक खदान धसने से हादसे का शिकार हुई महिलाओं और बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंच गए। वहीं मामले की पुलिस को सूचना मिलने ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। दो महिलाएं और एक लगभग 16-17 साल का लड़का मिट्टी निकाल रहे थे, क्योंकि 2-3 दिन पहले बारिश हुई है। बारिश के कारण मिट्टी के ऊपर भार ज़्यादा हुआ तो मिट्टी धस गई, जिसमें 3 लोग मिट्टी में दब गए थे, जिसमें 2 लोग तो एक जो आशा नाम की लड़की है वो गुणता ठीक है। दिलीप नाम के लड़के को यहाँ से हमने रतलाम रेफर किया, ये भी लगभग ज़्यादा गंभीर नहीं है, स्थिर है। एक महिला है जो इसकी माँ है, वो दबने से उसकी मृत्यु हो गई है। तो एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के तहत श्यामपुर पंचायत से प्रभात फेरी निकाली गई है। कौशल विकास और
उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार ने जन शिक्षण संस्था के तहत वासुदेव कुटुंबकम के माध्यम से 1 जून से 15 जून तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। श्यामपुर में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के संचालक सोनम जी ने एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के तहत श्यामपुर पंचायत से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें श्यामपुर पंचायत सरपंच नवीन चौहान, पंचायत सचिव मुकेश पाटीदार, उप सरपंच प्रदीप पुष्पाद सहित सभी जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। खबर गुवारा से, जहां क्षेत्र के रामटूरिया बस स्टैंड चौराहे पर इंदौर के महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती के मौके पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष और विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान क्षेत्र विधायक ने कहा है कि जल्द से जल्द नगर गुवारा में भी मां अहिल्याबाई होलकर जी प्रतिमा स्थापित की जाए। माता अहिल्या देवी का जन्म जयंती हम मना रहे थे और समाज के द्वारा बहुत पहले से ये मांग चली आ रही थी कि यहाँ एक प्रतिमा का स्थापना की जाए। उसके लिए समाज ने प्रतिमा बना भी ली थी, सरपंच महोदय की सहमति से यहाँ पर रामटोरिया में चौराहे पर ये मूर्ति की स्थापना की गई है और आज उनकी जन्म जयंती पर उनका मूर्ति का अनावरण भी किया गया। इंदौर की जीआरपी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलग अलग थाना क्षेत्र से चुराई गई 4 मोटरसाइकिल जब्त कर 3 आरोपियों को पकड़ा है। बता दें कि अपने महंगे शौक पूरे करने और गर्लफ्रेंड को घुमाने फिराने के लिए तीनों पढ़ने लिखने छात्र चोरी की वारदातों को अंजाम देने लग गए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। कल दिनांक 31/5/2023 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गाड़ी चोरी करने वाले लड़के गाड़ी बेचने के फिराक में प्लेटफार्म नंबर 4 के पार्किंग में खड़े, जो गाड़ी बेचने के फिराक में मुखबिर की सूचना को आमद की करके पंचानों के साथ और हमारे फोर्स को साथ लेकर प्लेटफार्म नंबर 4 पर पहुंचे। पुलिस को देखकर तीनों लड़के दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा। नाम पता पूछा था, कभी कुछ गलत बताने लगे। शांता देकर पूछा था हरिओम बुरा दीपक, हरिओम कुराश और दीपक बताए। तीनों से लाइसेंस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस आदि पूछा, कागजात पूछे, जिन्होंने नहीं होना बताया। फिर उनसे पूछा कि ये गाड़ी कहाँ से लाए थे, खजराना गणेश मंदिर, कालानी नगर और जेल रोड और प्लेटफार्म नंबर 6 के रेलवे ऑफिस के पास में से। वहीं मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरायवली थाना अंतर्गत पुराने विवाद को लेकर दबाव बनाने के लिए आधा दर्जन पुरुष और महिला पर वृद्ध महिला से मारपीट कर उसके प्राइवेट पार्ट्स में मिर्ची पाउडर डालने का भी आरोप लगा है। वहीं पीड़ित वृद्ध महिला के अनुसार जब वो घर से दुकान पर जा रही थी, तभी बीच रास्ते में जोगी परिवार के पुरुष और महिलाओं ने मारपीट कर दी और खींचकर घर के अंदर लेके जहां उसके प्राइवेट पार्ट्स में मिर्ची पाउडर डाल दिया, जिसकी जानकारी परिवार वालों को लगते ही मौके पर पहुंचे और महिला को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। हम घर से आ रहे थे तो इनने दबाव डालो के राजीनामा कर लो, हमने कही के कर ले कि सोनो चांदी चलोगा, सो हमने कही उसे पूछ के कर ले के है मदर जूत की कर रही के नहीं, खजोल ले गए मंगल सूट टोल लो, माँ बिचूड़ी टोल ले, हमने पाँव परे तो बेटा हम कर ले, मैंने बच जान दो, हमें जो मुक्का मारे पीठ में दते मारी सबसे गई पीठ को चालो को नहीं आ हुआ है। शाम को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलंधर के रहने वाली गोमती बाई को वहीं के रहने वाले जोगी परिवार के द्वारा मारपीट कर दी गई है, जो घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आरोपी के विरुद्ध में अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है।
वहीं नगर पालिका परिषद में आयोजित लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्रों के वितरण कार्यक्रम में सीहोर विधायक सुरेश राय और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर द्वारा लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। योजना के तहत 10 जून सभी बहनों के खातों में 1,000 रुपये डाले जाएंगे। वहीं एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम नेता इंदौर में गौरव दिवस कार्यक्रम में मौजूद थे, तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ बदमाशों ने प्रॉपर्टी ब्रोकर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का युवक करनी सेना का पदाधिकारी भी है। साथ ही आपको बता दें कि मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। देर रात प्रॉपर्टी ब्रोकर और करनी सेना के पदाधिकारी मोहित पटेल की उसी के लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे दोस्त मोहित को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित भी कर दिया। मृतक मोहित के सीने पर 2 गोलियां लगी। हालांकि हत्याकांड के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस हत्याकांड को अंजाम देने वाले अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। एक बिशनखेड़ा गांव है थाना कनाड़िया में, वहां के एक युवक जिसका नाम मोहित, पिता दिलीप पटेल हैं, उनको सीने में 2 गोली लगी है जिससे उनकी मृत्यु हुई है। उनको यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल लाए थे, जो हॉस्पिटल लाने के पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी गाड़ी में उनकी पिस्टल मिली है और गाड़ी में ही गोली लगी थी, जो उनके दोस्त उनको बॉम्बे हॉस्पिटल लेके आए। अब प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि उनको गोली कैसे लगी, किसने मारी, दोनों बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि चूंकि उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो गाड़ी में मिली है। विदार जिले के गाटा बिल्लौद में एक धार्मिक आयोजन हुआ, जो जिले में राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल गाटा बिल्लौद में भगवान खाटू श्याम जी के नाम एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु लोगों के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। आयोजन धार जिले के पूर्व जिला बीजेपी अध्यक्ष राजीव यादव के मार्गदर्शन में किया गया था। हालांकि कार्यक्रम देर रात से शुरू हुआ है, जिसके बाद भी भक्ति रस सुबह तक बरसता रहा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल की मधुर भजनों की प्रस्तुतियों ने ऐसा समा बांधा कि हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भक्तगण और जनप्रतिनिधि देर रात तक भगवान खाटू श्याम जी के भजनों पर झूमते नाचते नजर आए। आयोजन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे सहित इंदौर और धार के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, कि भव्यता को देखते हुए भक्तों के लिए व्यापक व्यवस्था की गई। तो सागवान तस्करों का पीछा कर रही विदिशा वन विभाग की टीम पर तस्करों ने पथराव कर दिया है। भागते हुए गुना की सीमा में प्रवेश कर गए, इसकी सूचना गुना वन विभाग और पुलिस को मिली है, तो संयुक्त अभियान में टीम रवाना की गई। टीम ने घेराबंदी की तो तस्कर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गए। तस्करों के पथराव में विदिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 3 आरक्षक घायल हो गए। फिलहाल किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आज सुबह हमें मुखबिर की सूचना मिली, लगभग 4 बजे के पास आसपास हम लोग देरी से होते हुए देरी जंगल से होते हुए निकले। वहाँ से लगभग 15 से 20 मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए हम लोग यहाँ बाईपास पर आए, मकसूद नगर बाईपास पर। हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्तियों को हमने तत्काल गिरफ्तार किया और हम लोग लकड़ी जब्त करने के लिए सभी स्टाफ हमारा तैयार हो गया। जैसे ही हम लोग लकड़ी जब्त करने लगे तो तत्काल मौके से अन्य 50 से 15-20 लोग इकट्ठे होकर के पथराव करने लगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपनीक देवीधाम सलकनपुर पहुंचकर देवी विजयासन की पूजा अर्चना की। देवी विजयासन की पूजन कर उन्हें देवी का आशीर्वाद लिया और देवी विजयासन से देश एवं प्रदेश के नागरिकों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री चौहान देवी लोक महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्य कार्यक्रम स्थल पर उन्होंने देवी लोक की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साधना सिंह, कार्तिकेय चौहान पूर्व मंत्री और सिलवानी विधायक रामपाल सिंह, सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। तो मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया है। और इसी दौरान मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि शिवपुरी में मैं जब भी आती हूं तब देखती हूं कि सड़कों पर स्वच्छता नहीं रहती है। इसी क्रम में उन्होंने सफाई दरोगा, नगर पालिका, कलेक्टर से समन्वय करने की बात कही थी, साथ ही सभी को एकजुट होकर काम करने की बात कही। कई चीजें आई हैं, जैसे अपना बांकड़े वाले रोड की क्या समस्या है, कब शुरू हो जाएगा, टेंडर कब लगा, कब टेंडर खुलेगा, आपके महाराणा प्रताप वाला रोड उसमें क्या चल रहा है, कब खत्म होगा, पेवर्स कब लगेंगे, ये सारी चीजें। और भी तो बातें हुई, सिर्फ थीम रोड की बात नहीं हुई। थीम रोड में क्योंकि अपने जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो बाहर के हैं तो उनकी क्या समस्याएं हैं, बिजली वाली कोई बात है क्या, NHAI के साथ कोई बात है क्या, तो ये सारा समन्वय करना पड़ा और पार्षदों के साथ और अपने दरोगा, सफाई दरोगा के साथ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि शिवपुरी में जब भी मैं आती हूँ तो रोड हमारे साफ नहीं है। तो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा और उज्जैन जिले के प्रभारी शोभा ओझा ने पत्रकार वार्ता में दो दिन पहले स्वीकृत हुए उज्जैन के मास्टर प्लान को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने मास्टर प्लान को लेकर कहा कि 463 आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिन्हें दरकिनार करते हुए सरकार ने भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सिंहस्थ के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को आवासीय घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, कई बीघा कृषि भूमि को भी आवासीय कर दिया गया है। इससे सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि हुई। इसमें स्थानीय मंत्री ने करोड़ों रुपए का खेल किया है। जैसी पवित्र नगरी का मास्टर प्लान पे पत्रकार साथियों से चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। धर्म नगरी को, उज्जैन जैसी धर्म नगरी को भ्रष्टाचार का अड्डा शिवराज सिंह की सरकार बना रही है। उनके जो मंत्री यहाँ पे हैं, उज्जैन के नुमाइंदे, वो सारे लोग मिलके इस पवित्र क्षेत्र को, सिंहस्थ का वो पवित्र क्षेत्र जहाँ सिंहस्थ लगता है, सैटेलाइट टाउन बनती है, उस सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि को आवासी घोषित कर दिया गया है। 15,000 करोड़ का घपला, महाकाल लोक में सप्तऋषि की मूर्तियां गिरती हैं और दूसरे दिन ही मास्टर प्लान यहाँ का लागू कर दिया जाता है, जिसमें भू माफियाओं को पल्लवित पुष्पित करने का काम शिवराज चौहान ने और यहाँ के मंत्री मोहन यादव ने किया है। शिप्रा क्षेत्र की भूमि भी है, मुझे तो जानकारी मिली कि वो भी आवासीय कर दी तमाम सारी जमीने। तो धर्म के क्षेत्र में जो पाप करने का घृणित अपराध करते हैं वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये भगवान शिव का श्राप जरूर, वो भले शिवराज हों लेकिन असली शिव तो यहीं बैठे हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी में बस और ऑटो में आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। ऑटो सवार दो लोगों की मौत हो गई। शिवम बस चितरंगी से सीधी जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का ऑटो मालिक रघुनाथ साकेत गढ़वानी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दूसरा व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य पहुंचते पहुंचते मौत हो गई।
तो ऑटो सवार दो लोगों की मौत हुई, ऑटो मालिक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। और इस हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। और तो सड़क हादसे में दो लोगों ने जान गंवाई, जहां ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं साथ इतने, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आपने लव जिहाद शब्द जरूर सुना होगा। अभी हाल ही में आफताब अमीन नाम के लड़के ने श्रद्धा नाम की लड़की की निर्मम हत्या की। आरी से उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा और फिर 2 महीने तक एक एक करके मेहरोली के जंगल में फेंक दिया ताकि जानवर उसे खा लें। ऐसी वैशी हरकत के लिए उसे ये संस्कार और प्रेरणा कहां से मिली होगी कहने की जरूरत नहीं है। इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। पैसे के लालच में या प्यार मोहब्बत के झूठे सपने दिखाकर भोली भाली लड़कियों को एक साजिश के तहत ये लोग बहला फुसलाकर 3-4 शादियां कर लेते हैं और फिर अंजाम इसी तरह का होता है। हमारी मासूम बच्चियां इन जालिम भेड़ियों को पहचान भी नहीं पाती, क्योंकि कहते हैं वो जिस्म का भूखा मोहब्बत के लिबास में मिला था, पहचानती कैसे उसे, चेहरे पर नकली चेहरा लगाकर मिला था। इसीलिए दोस्तों आवश्यकता है हमें अपनी बेटियों को जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराने की और इन लोगों की कुदृष्टि से बचाने की। मुगलकालीन समय में महिलाओं के लिए घूंघट प्रथा और बाल विवाह इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि ये जालिम सुंदर लड़कियों पर बुरी नजर रखते थे और उनसे बचने का यही तरीका होता था। वैसे भी जरा सोचिए, चांद देखकर भगवान से पति की लंबी आयु की प्रार्थना करने वाली लड़की जब चांद देखकर बकरा काटने वाले के घर में जाएगी तो कैसे एडजस्ट हो पाएगी। और एक बात हमारी बच्चियों को भी सोचनी होगी कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ रिश्ता माता पिता का उसकी संतान के साथ होता है। इसलिए माता पिता अपनी लाडली को किसी भी अनिष्ट से बचाने के लिए उसके बहकते कदम को रोकने की कोशिश करते हैं। सोचिए, श्रद्धा ने पिता की बात सुनी होती तो अपनी माँ के आंचल तले घर के आंगन में खिलखिला रही होती। दोस्तों आप भी सजग रहें, सुरक्षित रहें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जीवन के प्लस माइनस की गुत्थी सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में एक नए संकट ने जन्म लिया है जो चिंताजनक है, तभी ये मामला संसद में भी उठ गया। आप लगातार अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि कोई किसी की शादी में डांस कर रहा था, डांस करते करते गिरा और डेथ। कोई जिम कर रहा था तभी अचानक गिर गया और फिर कभी उठ ही नहीं पाया। कोई रामलीला में हनुमान का किरदार कर रहा था, स्टेज पर गिरा तो लोगों ने सोचा एक्टिंग कर रहा है, लेकिन गिरा तो गिरा ही रह गया। कोई चलते चलते तो कोई काम करते करते ही एकाएक दुनिया को छोड़ गया। इनमें से अधिकतर युवा थे जिनकी उम्र 40 के आसपास ही थी। अधिकांश युवाओं की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। चर्चा शुरू हुई तो तमाम मेडिकल रीजंस गिनाए जाने लगे। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है जिस पर हम और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरअसल आज की युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा तनाव में, टेंशन और स्ट्रेस में है। नंबर वन बनने की एक होड़ सी लग गई है, दूसरों को पीछे छोड़ने की एक जिद सी हो गई है। आज मोबाइल नेटवर्क ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने, इंस्टाग्राम ने दोस्तों की संख्या तो बहुत बढ़ा दी, लेकिन ऐसे दोस्तों की संख्या गिनती भर की भी नहीं छोड़ी जिनके साथ हम अपने मन की बातों को साझा कर सकें, शेयर कर सकें। इसलिए हम अंदर ही अंदर, मन ही मन में उन बातों को इकट्ठा कर लेते हैं और वो बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि हम एकाकी हो गए हैं।
बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ऑल अलोन, टोटली अलूफ। दोस्तों, किसी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था, अगर खोल लिया होता दिल यारों के साथ तो खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। दोस्तों, इन दो पंक्तियों में कितनी गहरी बात छिपी है। इसलिए बेखौफ मस्ती के साथ जिंदगी जियो और मन में टेंशन की गठरी मत बनने दो। फिर भी अगर कोई तनाव या स्ट्रेस हो जाए तो मन ही मन घुटने की बजाय ऐसे दो चार दोस्तों के साथ अपने सुख दुख शेयर करो जो उसका फायदा उठाने की बजाय आपका सच्चा हमदर्द हो। कहते हैं ना कि ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए, और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। दर्शकों, ये पूरा का पूरा जो संसार है वो ऊर्जा से संचालित होता है। ग्रह अपनी ऊर्जा क्रिएट करते हैं और जो अंतरिक्ष है उसमें भी ऊर्जा है। रत्न वो माध्यम है जो अंतरिक्ष की पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। अब हमें ये कैसे पता चले कि हमें कौन से रत्न धारण करने हैं, कौन सा ग्रह कौन सी ऊर्जा प्रकट कर रहा है और कौन से रत्न हमारे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आपको कार्यक्रम के दौरान मिलेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट मौजूद हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी हमारे साथ हैं। चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता दी दीपिका जी, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटीशम प्रवा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वता। जय माता दी भक्तो। दर्शकों, आप अपनी समस्या का समाधान तत्काल पा सकते हैं और उसके लिए अब टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन्हीं नंबरों पर कॉल करके आप इसी वक्त अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और साथ ही ये हमारे संस्थान के नंबर हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो पर्सनल है, जो आप टेलीविजन पे नहीं पूछ सकते हैं, तो आप हमारे संस्थान पे कॉल करके वो सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ratnaurja@gmail.com। जब भी आप हमें मेल करें अपना टेलीफोन नंबर उसमें आप भेजें, ताकि अगर हमें कुछ सवाल आपसे पूछने हैं जो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमें सहयोग करें तो हम आपसे पूछ सकें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे जो गुरुजी हैं वो लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। गुरुजी के काम के लिए उन्हें राजीव गांधी एक्सीलेंसी अवार्ड से भी नवाजा गया है। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने गुरुजी के काम को सराहा है। तो ये वो उपलब्धियां हैं जो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूं ताकि आपका जीवन सरल हो सके। आपकी जो भी समस्या है जिसका समाधान अब तक नहीं हुआ है वो आज हो सकता है सिर्फ आपके एक फोन कॉल से। गुरुजी से आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में हुआ है या आपके परिवार में किसी का जन्म इस दौरान हुआ है और अगर उसकी कुंडली नहीं है तो उसका स्वभाव कैसा होगा और कब भाग्योदय होगा, कब कठिन समय आएगा और उसके लिए आपको उपाय क्या करने हैं, इन तमाम चीजों के बारे में भी हम कार्यक्रम के दौरान आज चर्चा करेंगे। गुरुजी, 23 अक्टूबर से 21 नवंबर ये वो डेट है जब मेरा भी जन्म हुआ है। इसी बीच मेरा भी जन्मदिन है और हमारे कई दर्शक जो इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं उनमें से भी किसी का जन्म हुआ होगा या किसी परिवार में किसी अपने का जन्म हुआ होगा, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का स्वभाव होता है हमारा, भाग्योदय कब होगा। जी, 23 अक्टूबर से लेकर और 21 नवंबर तक की जातकों की हम आज बात कर रहे हैं कि उनके जीवन में क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या चीज जीवन के अंदर रहता है। तो ऐसे जातक जो है बुद्धि से तो अति उत्तम होते हैं, वाणी इनकी बहुत अच्छी होती है, निर्णय शक्ति बहुत बढ़िया जिसे कहते हैं, अपने धुन के पक्के होते हैं, एक बार जो सोच लिया वो करके ही रहते हैं, धुन के बहुत पक्के होते हैं, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ऐसे व्यक्तियों में बहुत अच्छा पाया जाता है।
और थोड़ा सा इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और जल्दी शांत भी हो जाता है, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरा चीज ये कि 35 वर्ष के बाद जीवन में जब 35वां वर्ष में ये जातक या जातिका चढ़ते हैं तो इनको जमीन का, वाहन का, संतान का अच्छा सुख प्राप्त होता है। और जीवन में क्या होता है कि भाई है या बहन है उनसे अनबन बहुत ज्यादा रहती है या भाई बहनों से कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं जीवन के अंदर। और जब ये शादी कर लेते हैं तो थोड़ा पत्नी इनकी थोड़ा बीमार रहती है ऐसा देखा गया है। और किसी दुर्घटना हमेशा ऐसे जो जातक हैं जिनका 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर में जन्म हुआ है तो उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप जो है वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं क्योंकि ऐसे में वाहन से दुर्घटना इन लोगों की ज़्यादा देखी गई है। रिसर्च में जो वाहन से चोट लगती है या वाहन दुर्घटना ग्रसित होता है तो वो इन लोगों का ज़्यादा देखा गया है। और वैज्ञानिक ढंग से ये लोग सोचते हैं, वैज्ञानिक तकनीक को अपनाते हैं, वैज्ञानिक सोच रखते हैं ऐसे लोग। और दूसरी चीज़ ये कि इनको जो है एकांत में काम करना अधिक पसंद होता है, एकांत में रहना भी पसंद है, एकांत में काम करना भी पसंद है। आउटडोर स्पोर्ट के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं जैसे कि क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, रनिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, इसका ये शौकीन होते हैं। बहुत से लोग उसके खिलाड़ी भी रहते हैं और नेशनल लेवल तक भी जाते हैं। ऐसे स्पोर्ट पर्सनैलिटी इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। और इनका जो भाग्योदय, जो भाग्य जो इनका काम करता है वो 29 ईयर से लेकर 45 ईयर तक 100% जो भी हैं इस 23 नवंबर से और 23 अक्टूबर से 21 नवंबर में जो भी जातक जन्मे हैं उनका 29 से 45 तक 100% भाग्य अच्छा कर देगा। और 62 से लेकर 71 साल की वर्ष में ऐसे व्यक्ति गंभीर बीमार हो जाते हैं या इनका ऑपरेशन होता है या परिवार में किसी तरह की कठिनाइयां होती हैं और इन्हें सरदर्द की समस्या ज्यादा रहती है, स्नायु तंत्र की दिक्कत ज्यादा रहती है, इन्फेक्शन या हड्डियों संबंधी या बीपी या हृदय संबंधी बीमारियां इनको ज्यादा बनी रहती है। कठिन समय के बारे में जानेंगे और भी कई जानकारियां हम लेने की कोशिश करेंगे गुरुजी से, ज्योतिष की जो रिसर्च है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कई कॉलर गुरुजी से बात करना चाहते हैं, समय बहुत कम होता है। चलिए फटाफट से हमारे जो पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्या है उनकी समस्या जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। अभिषेक गुप्ता। जय माता दी। ये बताइए गुरुजी, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। डेट ऑफ बर्थ बताइए गुप्ता जी। 24 दिसंबर 1982 रात में 1:12। 24 दिसंबर 1982 रात में 1:12। कहाँ पर प्लेस कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर का हूँ मैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर शहर के हो, ठीक है जी। क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी मैं 7 साल से मुंबई में हूँ और मैं एक्टर हूँ। और मेरे साथ ये दिक्कतें आ रही है कि काफी मैंने काम किया लेकिन काम बंद हुआ, चैनल बंद हुआ और सफलता मिलते मिलते रह जाती है। देखो अभिषेक जी, सुन रहे मेरी बात? जब आप छोटी उम्र के थे, याद कीजिए 5 से 16 साल में आपके परिवार में कोई डेथ हुई थी, कुछ बता सकते हैं किसकी डेथ हुई थी? नहीं, मुझे पता नहीं इसके बारे में। 5 से 16 साल की अवधि में महाराज, जब आप 5 साल से 16 साल की अवधि में पूछ रहा हूँ मैं आपसे। गुरु जी मुझे याद नहीं लेकिन हाँ ऐसी बातें होती रहती है घर में। दूसरी सुसाइड किया था आई थिंक। हाँ इसलिए पूछ रहा हूँ ना, कुछ दोष बन रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। दूसरी चीज, कुंडली के अंदर एक चीज और नजर आ रही है, कुंडली के अंदर 32 से 40 के बीच में, अभी 32 से 40 के बीच में, सुन रहे मेरी बात? जी हाँ सुन रहा हूँ। 32 से 40 में आपके परिवार में किसी की शादी या किसी की संतान होनी चाहिए। किसी की शादी और संतान हुई है आपके 32 से 40 के बीच में? अभी नहीं हुई है। अभी तो खैर अब हुए ही हैं लेकिन 32 से 40 में होगी, ये 100% है। आप बात कर लेते हैं कि आपकी जो सफलता है, देखो 26 से 32 की जो एज थी ना आपकी, उसमें आपका परिवार से दूर रहने के योग बन रहे थे प्लस एक स्ट्रगल के योग बन रहे थे। आप जो है 32 से 40 का जो पीरियड है ये काफी अच्छा है, इसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी ऐसा कुंडली बता रही है। लेकिन आपकी कुंडली में जो राजयोग कारक ग्रह है ना, आपका राजयोग कारक ग्रह आपका बुध और शुक्र दोनों ही कमजोर बैठे हुए हैं। बुध जो है गुरु की राशि में बैठा है, शुक्र भी गुरु की राशि में बैठा। आप इनकी कुंडली पे हम चर्चा कर लेते हैं कि इनकी कुंडली में ये अच्छे एक्टर हैं
और बहुत अच्छा इंडस्ट्री में है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही, बल्कि कुंडली राजयोग बता रही है। देख लेते हैं इनकी कुंडली। इनकी कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है जातक की, और कुंडली में कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं, इसलिए पहले कोई भी बात करने से पहले तो मैं कंफर्म कर लेता हूं कि आपकी कुंडली ठीक है। वाणी से व्यक्ति की सोच से पता चल जाता है कि उसकी कुंडली ठीक है गलत है, ये चीज़ें पता चल जाती है। अब इनकी कुंडली के अंदर जो चतुर्थ स्थान होता है, चतुर्थ स्थान में कुछ कॉम्बिनेशन आप बन रहे हैं, और आप देखेंगे इनकी कुंडली में, ये इनकी कुंडली है जी। आप इनकी कुंडली के अंदर देखिए, सबसे पहला चीज़ ये नवम भाव होता है भाग्य का, ठीक है, ये होता है काम का स्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम हम करते हैं तो नवम और दसम स्थान, इसको नौवां स्थान कहा जाता है, इसको दसवां स्थान कहा जाता है। अगर इनके स्वामी अच्छे होंगे तो आपका काल अच्छा होगा, आपका राजयोग ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा, आप जो भी काम करेंगे आपको बहुत अच्छी उन्नति मिलेगी। अब इसका स्वामी देख लें, इसका स्वामी बुध महाराज, बुध महाराज गुरु की राशि में, जो कि बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं बैठे हैं चतुर्थ में। इसके महाराज शुक्र महाराज हैं, और शुक्र महाराज भी गुरु की राशि में, और देवता कहते हैं ना कि देवताओं के गुरु गुरु महाराज है, दानवों के गुरु शुक्र महाराज है, और दोनों में आपस में नहीं पड़ती है, तो कहीं ना कहीं भाग्य और काम से आप बहुत ज्यादा मात खा रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि ऐसी स्थिति में जहां पर आपका भाग्य ऐसा काम न साथ ना दे रहा हो, काम साथ ना दे रहा हो, आपके अंदर बहुत हुनर भी होगा उसके बाद भी बहुत बार व्यक्ति मात खा जाता है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आप एक डायमंड पहनी, ये जो उंगली मैं बता रहा हूँ इस उंगली के अंदर डायमंड आपको 71 सेंट का पहनना है, अष्ट धातु में पहनना, और एक पन्ना छोटी उंगली में पहनना, पूजित और प्राण प्रतिष्ठित करके ही पहनी है। यह मैं बार बार बोलता हूं, तभी रत्न ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। प्लस उसके साथ में मंत्र में बता देता हूं, देखिए आपकी कुंडली में ना तो आप गुरु की पूजा कर सकते हैं ना आप शुक्र की पूजा कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी है। अगर आपने गुरु की पूजा की तो शुक्र नाराज हो जाएगा, और शुक्र की पूजा करी तो गुरु नाराज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की पूजा मत कीजिए। आप क्या करिए, इन दोनों के आराध्य देव है शिवजी की आप पूजा करिए। शिवजी का मंत्र होता है नागेंद्र हारा है, त्रिलोचना है, भस्मांगर आगा है, महेश्वर आय, नित्याय शुद्धाय, दिगंबर आय, तस्मे शिकार है, नमः शिवाय, ये मंत्र आता है, पंचाक्षरी मंत्र है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करें और डेली इसका पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपके आपके कार्यों में उन्नति होगी। गुरुजी, जो आपके रिसर्च है जिससे आप नई नई जानकारियां हासिल करते हैं, कई ऐसी जानकारियां हैं जो अब तक आपको भी नहीं पता थी जब आपने रिसर्च की। जैसे एक, एक एक बात आप हमेशा कहते हैं कि कुंडली में अगर दो दोष हैं, हाँ, तो आपका जो योग है वो एक्टिवेट नहीं होता है, ये अपने आप में एक नई जानकारी है। देखिए हमने क्या पाया कुंडली के अनुसार, बहुत से लोग ये बोलने लगे कि जब बहुत सारी कुंडलियां देखी जिसके अंदर राजयोग थे जी। लेकिन राजयोग होने के बावजूद भी वो व्यक्ति परेशानी में ही था, और बहुत से कॉलर भी ऐसे आते हैं जिनकी कुंडली के अंदर राजयोग होते हैं। अब जबरदस्ती तो हम उनको दोष नहीं बता सकते ना कि आपकी कुंडली में दोष है, जब राजयोग हैं और उसके बावजूद भी, अब बहुत बार हमने बहुत लोगों को बोला कि भाई आपकी कुंडली में ऐसी ऐसी स्थिति, आप तो इतने अच्छे होने चाहिए, तो उनको ये संचय रहता है कि ये मेरी कुंडली है, ये गलत कुंडली है बहुत बार। क्यों? क्योंकि कुंडली तो उनकी है लेकिन उनपे एनर्जी नहीं आ पा रही है। बहुत बार ऐसा होता है ना, देखिए आप एक विज्ञान की बात बता देता हूँ, जैसे हम आप हैं, हम हैं, एक मौसम चलता है, एक सर्दी का मौसम होता है, एक गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। आप सूर्य का प्रकाश तो भगवान आ रहा है ना डेली, तो गर्मी के मौसम में हो सकता है मुझे जुखाम हो जाए, आपको ना हो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे या तो मेरे को जो मैं ऊर्जा जो सूर्य देव की ले रहा हूँ उसमें कोई कमी आ रही है, या मेरे कर्मों में कमी आ रही है, तभी मुझे जुखाम हुआ ना, आपको क्यों नहीं हुआ? 100 लोगों को क्यों नहीं होता? 100 लोगों को क्यों नहीं होता एक साथ? एक ही व्यक्ति को होता है ना। तो कहीं ना कहीं भगवान ने तो हम सबको राजयोग बना के भेजा हुआ है, लेकिन हमारे अपने कर्म, हमारे अपने झूठ, हम कितना झूठ बोलते हैं, हम कितना सच बोलते हैं, उसका भी कुंडली पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और खासकर आपके पॉजिटिव ग्रह पे प्रभाव पड़ता है। आप मान लीजिए ज्यादातर क्या होता है, जनरली मैं आपको बताऊं, जनरली क्या होता है कि व्यक्ति क्या समझता है, मैं क्या, सभी व्यक्ति यही सोचते हैं कि हम आधे घंटे घंटी हिला लेंगे, ओम नमः शिवाय या कोई भी जाप आप कर लेंगे या गुरु का वचन बोल लेंगे, और उसके बाद हमारे ग्रह या हमें भगवान बचा लेंगे। ये नहीं देखते कि देखिए बहुत से अब क्या होता है कि बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि गुरु जी एक चीज बताइए, बहुत से वैज्ञानिक भी आए और मुझे बोलने लगे कि गुरु जी एक चीज बताइए, हिंदू धर्म में तो आप कहते हैं कि पूजा पाठ करो, ये चीज करो, अंग्रेज तो कुछ भी चीज नहीं करते, तो अंग्रेजों को कैसे फल मिलता है, वो तो हमसे भी ज्यादा आगे हैं। तो मैं
मैं भी बिल्कुल चकराया कि बात तो बिल्कुल सही है कि अंग्रेज तो कुछ भी नहीं करते हैं हमारे अकॉर्डिंग, और उनको उनका डॉलर भी महंगा है, पाउंड भी महंगा है, हमारा क्यों नहीं है? हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, और ऑब्वियसली बात है कि जो वैज्ञानिक तत्व वाला का वो भी यही सोचेगा कि हम ना टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, ना हम धन में आ गए हैं, हम इतनी पूजा करते हैं उसके बावजूद भी। अब मैं बता देता हूँ क्यों हम पीछे हैं। देखिए अंग्रेजों की दिनचर्या देखिए और हमारी दिनचर्या देखिए। हम दिन में आधा घंटा पूजा करते हैं और पूरे दिन झूठ बोलते हैं। वो गलत काम करेगा, हो सकता है शराब वो डेली पिए, हो सकता है नॉनवेज डेली खाए, लेकिन वो आधा घंटा गलत काम करेगा और अपना जो काम है वो बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से करेगा। आपके वहां भी अंग्रेज लोग रहते होंगे, आप देखिए वो अपने देश के कानून को मानते हैं, नागरिक को कभी मिसगाइड नहीं करते, बिजनेस में भी कभी भी धोखा नहीं देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई, और कर्मों के कारण हमारी स्थिति खराब हो रही है, भगवान के कारण नहीं हो रही। क्योंकि हम आधे घंटे तो पूजा कर लेते हैं भगवान की, जो भी भगवान है, ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा भी कर ली हमने, दुर्गा सप्तशती भी कर ली, और पूरे दिन क्या रहा, जब हम बिजनेस में जाते हैं पूरे दिन झूठ बोलते हैं। जी गुरु जी, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे नेगेटिव कर्म होते हैं वही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, और पॉजिटिव कर्म ही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। पूजा पाठ से भी ज्यादा जरूरी है कि आप दिन भर में कर्म क्या कर रहे हैं। वैज्ञानिक प्रभाव के बारे में भी हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया, साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निःशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष